नमस्कार दोस्तों, राजेश खन्ना ने आनंद फिल्म में कहा था, जिंदगी एक रंगमंच है और अगर रंगमंच से कोई निकलकर हमारी वास्तविक जिंदगी में हमें जिंदगी सिखा सके, इसे खूबसूरत और कोई बात नहीं हो सकती। और आज हीरोज ऑफ द सोसाइटीज की सीरीज में ओजांक आईएएस एकेडमी के इस मंच पर हमारे बीच में आज जयश्री अरोड़ा जी हैं। मैं स्वागत करता हूं मैम आपका इस मंच पे। थैंक यू, नमस्कार। बातचीत की शुरुआत को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, और सबसे पहले हम एक छोटी सी चीज समझते हैं कि एक सैनिक की पत्नी होना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है। हम एक सैनिक की वीरता को देखते हैं, हम सरहदों पर उसके युद्ध कौशल को देखते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि घर में भी एक सरहद होती है, एक चुनौती होती है। अगर उस देश को संभालने वाला एक व्यक्ति सैनिक होता है तो कौन होता है जो घर को बनाता है? और इस भूमिका के साथ एक नारी जब अपनी पहचान को गढ़ने पर आती है तो मां की पहचान, एक अभिनेत्री की पहचान, समाज में अपनी व्यक्तिगत पहचान, इन सभी का अगर कहीं एक जगह इंटीग्रेशन, समावेशन हमें देखने को मिलता है तो मैम आपके रूप में देखता है। और मैं ये समझता हूं कि जब मैं आपके बारे में अध्ययन करता हूं तो मुझे लगता है कि ये बहुत विशाल है, एक इतना बड़ा कैनवस है जिसमें रंगों को पहचानना हमारे लिए मुश्किल है। ये व्यक्तिगत मेरे लिए मैं आपसे कह रहा हूँ। और जब दादा मुनि अपनी शुरुआत करते थे और जब वो कैरेक्टर्स आने शुरू होते थे तो शायद पूरा परिवार, ये वो दौर था जब पूरा परिवार एक साथ टीवी देखा करता था, उसको इंजॉय करता था, उसके बारे में हम बातें किया करते थे। उस दौरान मैम आपको टीवी पे देखा और आज यकीन मानिए आंखों के सामने विश्वास नहीं हो रहा है कि वो जो हमारी कल्पनाएं थी, वो जो हमारे परिवार में बातचीत का हिस्सा था, आज मैं आपके साथ बैठा हूँ और मैं बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने शो में मुझे बुलाया। और जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, सिर्फ मैं क्यों, एक नारी जो हमारी, खासकर हमारी भारत की सन नारियाँ मल्टीटास्किंग में माहिर होती हैं। क्या खूब, हर कोई, मैं बताऊँ आपको, क्योंकि सबसे बड़ी गुरु जो होती हैं घर में, प्रथम गुरु जो हो वो माँ होती है। तो वो जो शिक्षा बच्चे को देती हैं, फिर वो आगे जाके जो भी बनना चाहे या बनना कोशिश करे बनने की, उसकी बुनियाद तो घर में ही पड़ती है ना। और पहली गुरु जो होती हैं वो माँ होती हैं। और सच्चाई जो है, सबसे बड़ा सच, थोड़े हैरान होंगे आप, वो माँ ही सिखाती है। बच्चे को पता नहीं है, माँ तो ठीक है पर पापा या बापू या डैड या बाऊजी, वो माँ बताती है कि ये है तुम्हारे पापा। इतनी बड़ी सच्चाई जो है वो एक हमारी सन्नारियाँ ही करती हैं। बहुत खूब, क्या बात कही है। हमारी ऑडियंस आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहती है, क्योंकि आप टेलीविज़न सिनेमा की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी भी रही हैं, अनुभव की जो दुनिया है और अभिनव की जो दुनिया है, इन दोनों में जो आपका डायमेंशन है बहुत बड़ा है, यानी एक्सपीरियंस और एक्टिंग दोनों। तो एक आपकी लाइफ के बारे में हम जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि क्या आपकी लाइफ रही है उस दौरान जब टेलीविज़न शुरू हुआ, और कैसे वो खूबसूरत यादें एक बार हम फिर से शेयर करना चाहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो आर्मी फैमिली है, जो सैनिक बैकग्राउंड है, वो मेरी माता जी के पिताजी भी थे, डॉक्टर थे, वो रॉयल इंडियन आर्मी मेडिकल कोर में वो इक्के दुक्के हुआ करते थे, तो ही वॉज़ वन ऑफ द वेरी सीनियर ऑफिसर्स। उसके बाद मेरे पिताजी वो भी फौजी अफसर रहे, और ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड तो हैं ही, मेरा छोटा भाई वो भी कर्नल है फौज में, मेरे ब्रदर इन लॉ नंदोई, उनके बड़े भाई सब फौज में ही रहे, और तो और मेरे दामाद साहब जो हैं वो भी एक्सएनडीए, वो भी नेवल ऑफिसर रहे हैं। तो पूरा ख़ानदान ही हमारा फौज में है, इसलिए हम लोग बहुत डिसिप्लिन्ड हैं। ऑनेस्टी, सिंसियरिटी और जो जज्बा है देशभक्ति का, जो और डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज़ है, वक्त की कदर करना। और इसी से प्रेरणा लेके मैम हम लोगों ने एक 99 रुपीज़ में शुरू किया है आईएएस प्रीलिम्स की तैयारी, और ओजांक आईएएस एकेडमी लेकर आया। और बहुत से लोग इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे कि 99 रुपीस में, एक बच्चे ने कहा कि पिज्जा भी नहीं आता। बिल्कुल नहीं है, आप बोल रहे पिज्जा, कप कॉफी नहीं आएगी। सही बात। ओजांक आईएएस लेकर आया है मात्र 99 रुपए में आईएएस प्रीलिम्स जीएस की तैयारी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, अगर आप आईएएस प्री की तैयारी करना चाह रहे हैं, चिंतित हैं, तो 99 रुपए में हिंदी और इंग्लिश ऑनलाइन बैच के लिए आप अभी रजिस्टर करें।
तो छोड़ना किस बात का, एक बार ट्राई तो बनता है। ये जो है ना अपना GIP यहाँ पर, उसमें कॉफी बहुत बढ़िया कॉफी बनती है। 99 रुपीस में आपको दो कप कॉफी मिलेगा बस, और कुछ नहीं मिलेगा। वो सामने कियोस्क में बनाते हैं जो कि बाहर पता नहीं कितने का आता है, मैं तो वो कॉफी बहुत पसंद करती हूँ। तो 99 रुपीस में क्या आएगा आप बताइए, उसमें आप पढ़ा रहे हैं, ये तो मतलब नमस्कार करना चाहिए भाई। थैंक यू सो मच मैम। और हम इसको एक अभियान का रूप देना चाहते हैं कि खासतौर पर वो बच्चे, जो बहुत बड़ा एक नंबर है बच्चियों के ना पढ़ने के पीछे, जो सबसे बड़ा कारण है वो उनकी आर्थिक स्थिति है। कि कई बार पेरेंट्स चाहते भी हैं तो वो कहते नहीं, हम लाखों रुपए फीस नहीं दे सकते, हम यही पैसा उसकी शादी के लिए रख रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसी रकम है जिसमें किसी को भी सोचने की ज़रूरत ही नहीं, चाहे वो गांव से हो, देहात से हो, आज डिजिटल एजुकेशन से वो कहीं पर भी पढ़ाई कर सकते हैं, उनको शहर आने की भी ज़रूरत नहीं। कई पेरेंट्स इसलिए भयभीत होते हैं कि भाई हमारी बच्ची शहर जाएगी, बिगड़ जाएगी, कैसे रहेगी, रहेगी कैसे, इतना खर्चा कौन देगा। तो आज हम ये पूरी एजुकेशन मोबाइल पे दे रहे हैं, शायद डाटा भी इससे महंगा आता होगा। तो वो देश के जाने माने टीचर इसको पढ़ा रहे हैं, और हमारी भी एक मुहिम है कि 99 रुपीज़ में वो पढ़े, एक रास्ता पकड़े, और अगर उसके अंदर IAS प्रीलिम्स क्रैक करती है तो अपॉर्चुनिटी उसके लिए बहुत ज़्यादा खुल जाती है, बहुत ज़्यादा। मैं तो यही कहूँगी कि वो जो दहेज के लिए आप पैसा जोड़ रहे हैं ना, वो मत करिए, बेटी को पढ़ाइए, तो फिर वो खुद इतना कमा लेगी कि कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि ये। और 99 रुपीज़ आप क्या क्या बोल रहे हैं आप, किसी को तो आजकल आप जो बख्शीश भी देते हुए आप बोलते नहीं भाई, थोड़ा क्या क्या बेचारा क्या लाएगा 99 रुपीज़ में, क्या मिलेगा उसे। कोशिश है, एक मुहिम है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें, एक रास्ता पकड़ें, क्योंकि मुझे लगता है जितना मेरा भी एक एक्सपीरियंस रहा टीचर्स का और आपका तो बहुत रहा है, कि एक बार स्टूडेंट के अंदर, मेरा मानना है कि हर स्टूडेंट के अंदर एक पावर होती है, बस उसको इग्नाइट करने की जरूरत है। एक बार उसने रास्ता पकड़ लिया तो वो अपनी मंजिल तक पहुंचता ही पहुंचता है। आप तो छोर पकड़ा रहे हैं, और सिर्फ छोर नहीं पकड़ा रहे, आगे बढ़ने की ये कर रहे हैं कि, और कोई टाइम लिमिट तो नहीं है आपका, जो जितना पढ़ सके चीके करो इतने टाइम पे, तो ये भी तो कोई बात है ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई। आई मीन माई कॉम्प्लीमेंट्स कि इतनी बड़ी चीज़ आपने सोची, इसमें कोई शक नहीं है ओजांग जी। बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, आपने दो अलग अलग जिंदगियों को जोड़ा है, एक आप इतने बड़े सैन्य अधिकारी की वाइफ हैं, घर में बहुत डिसिप्लिन, और एक ऐसी लाइफ जहां चैलेंजेस को आप लोग भी डील करते होंगे कभी, वो जैसे आपने बताया कि आपके हस्बैंड 5 साल तक श्रीलंका में रहे, और आपने अकेले अपना करियर के साथ साथ अपने बच्चे को भी संभाला, इसके साथ साथ आप एक टीचर भी रहे। श्रीलंका में रहे, बाहर रहे, मतलब फील्ड में रहे, दोनों बच्चियों को सिंगल हैंडेड मैंने, मैं बताऊँ एक सैनिक की पत्नी होने का चैलेंजेस बहुत होते हैं, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को बाहर भी ले जाना, दिखाना भी है, उनको ओवरऑल परवरिश होनी चाहिए। और मैं बताऊँ, जब फील्ड में थे, मैं जम्मू में थी, छोटी वाली बेटी बहुत छोटी थी, तो नॉर्मली हम घर ही पे रहते थे, उनको लेके बाहर जाना तो जैसे कोई मिलने आए, कुछ आए, तो बाहर हमने 4 कुर्सियाँ लगा रखी थी। तो जब मेरे हस्बैंड आए तो अंदर आए तो बोलने के, मम्मा ये अंकल अंदर क्यों आए हमारे घर में बाहर, मतलब उसे याद नहीं था कि ये पापा हैं जो अंकल, वो तो बाहर बैठते हैं, कमरे के अंदर कैसे आए। इस हिसाब से होता है बच्चों की जो इतने डिफ़िकल्ट टाइम से जाना पड़ता है, पर आदत, क्योंकि मैं एक फौजी अफसर की बेटी थी तो इसलिए पता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। और संघर्षपूर्ण जीवन तो है एक सैनिक की, सैनिक अधिकारी की पत्नी होने का, क्योंकि एक तो वो फील्ड में रहते हैं, कब क्या हो जाए पता नहीं है, कई बार ऐसे खबरें आती हैं, उस वक्त आपको बच्चों को बताना नहीं, हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, वो अपने पेरेंट्स भी हैं, और तो और मेरे फादर इन लॉ भी आर्मी में ही थे, मतलब पूरा ख़ानदान ही हमारा दोनों तरफ से है, तो डिसिप्लिन है। मुश्किलें तो आती हैं जान जी, मुश्किलें आती हैं, पर क्योंकि हम लोग थोड़े टफ होते हैं अंदर से, बहुत टफ होते हैं, कि अकेले बच्चों के स्कूल में भी जाना, उनको पढ़ाना भी, डॉक्टर के पास भी जाना, और क्या कहते हैं, कई बार बस में धक्के खाना का भी, छोटे रिमोट जगह में रहते हैं तो टैक्सीज नहीं मिलती है, साइकिल रिक्शा में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, बच्चा बीमार है, पर यही है कि आप बहुत सशक्त हो जाते हैं, यही बोलूँगी।
इसी एक चीज़ से अगर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ, हमारे स्टूडेंट्स कई बार जब वो तैयारी में उतरते हैं, लाइफ की थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है और अचानक से वो गिव अप कर देते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में इतने आयाम देखे और सब में आप बहुत ब्रिलियंट रही हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो अभिनेत्री हो, माँ हो, पत्नी हो, इतनी भूमिकाओं में, और एक नारी होने के नाते आपने अपना एक मुकाम समाज में, अपनी एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट की है। आप हमारे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जब आपने एक शुरुआत की, आपने अपनी एक बात कही कि आप एक डायलॉग बोलने के लिए आपने 3 दिन तक खुद को कमरे में बंद करके अभ्यास किया, आपकी सारी पावर अभ्यास में है, प्रैक्टिस में है, आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो बेटा, शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। इंटेलिजेंट अगर आपके पास बुद्धि है तो आप थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, ठीक है, हो गया, पर आप अपने इंटेलिजेंट फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। हार्ड वर्क विल नेवर लेट यू डाउन। मेहनत करिए, अपने पर विश्वास रखिए और ट्राई एंड ट्राई अगेन, यू विल सक्सीड एट लास्ट। जब तक कोशिश नहीं करेंगे आप, पूर्व चलने के बटो ही बात की पहचान कर ले। आपने अगर एक ऐसा रास्ता चुना है जो कठिन है, पर जब वो रास्ता पूरा कर लेंगे तो बिल्कुल सूर्य की किरण चमचमाती हुई दिखेगी, तो फिर हार मानने की बात ही नहीं होती है ना। सवाल ही नहीं पैदा होता है कि आप हार मान लें। अपने में भरोसा रखिए, हिम्मत रखिए, पूरी ईमानदारी से, पूरी वफादारी से जो काम आप कर रहे हैं उसको करिए। यहाँ पर आपकी पढ़ाई है 99 रुपीज़ में, माई गॉड, मैं तो काश मैं उस वक्त होती जब मैं ये फायदा इसका उठा सकती। तो करिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इतना मैं जरूर बोलूँगा। हाँ, कहते हैं ना, दो यू स्टम्बल ऑफ्ट, ठोकर लगेंगे, बट नेवर बी डाउन कास्ट, ट्राई एंड ट्राई अगेन, कोशिश करते रहो, यू विल सक्सीड एट लास्ट। परसीवियरेंस, धीरज रखिए, धैर्य रखिए, पक्का आप सुनिश्चित है कि आप एकदम सक्सेसफुल होंगे। एक छोटी सी चीज़ और कहूँगा, लाइफ में जैसे पढ़ाई करना या कोई भी एक काम करना बड़ा मोनोटोनस हो जाता है, लोग बोर हो जाते हैं। मैं तो बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। लेकिन आप एक बहुत ही ट्रेन क्लासिक डांसर भी हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट को कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ क्या वो कोई हॉबी डेवलप करें, और करें तो कैसे करें? देखो भाई, हॉबी, अब जैसे मैं हूँ, बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ मैं। जैसे मैं पढ़ रही किताब पढ़ रही हूँ, पढ़ने का बहुत शौक है मुझे, क्योंकि वो आपको कभी लेट डाउन नहीं करेगा। पढ़ रही, क्या करूँ, कुछ लग रहा है, चलो भाई क्या करें, क्या चल, हलवा बना लेती हूँ, जो थोड़ा दिमाग चेंज, माइंड चेंज हो गया। जब तक हॉबी नहीं होगा, जैसे मैं, क्योंकि मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, इसलिए मैं आपको बोलूँगी, जब आप हॉबी, जैसे आप पढ़िए, पढ़ के छोटे भाई बहनों से बातचीत करिए। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपको पढ़ाई के साथ साथ थिएटर वर्कशॉप ज्वाइन करना पड़े, आप ज़रूर करिए, क्योंकि उसमें आप अपने आप को कैसे व्यक्त करेंगे। किताब तो आपने पढ़ लिया, पढ़ के आप लिख देंगे उसको, ठीक है, ये सवाल आया, इसको मैंने कर दिया। पर जब 1-to-1 कम्युनिकेशन होगा, अपने आप को व्यक्त करने की बात होगी, तब जब तक आप भाषा, बातचीत नहीं करेंगे, तो आप अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो स्ट्रीट थिएटर है, मुद्दा उठा के करिए। जैसे आप पढ़ना चाहते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं, लड़की है भाई क्या पढ़ना, या बोलेंगे कि बेटा आप नहीं कर सकते हैं, तुम अभी जाके किसी जगह काम कर लो, चाहे भले ही वो ये दुकान हो, वो दुकान हो, किराने की दुकान हो, वहाँ जाके बातचीत करना। यू मस्ट कम्युनिकेट जिसके साथ भी, उसमें क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस है, हॉबी अपनी होनी चाहिए। आप बहुत ही एनर्जेटिक हैं। हॉबीज के आप क्या हेल्थ बेनिफिट्स भी देखती हैं? मेरे पास जो ये 11 नंबर का बस है ना, उसका हमेशा इस्तेमाल करना, आपके पैर, उसको आप जरूर इस्तेमाल करो, बस, गाड़ी, ये वो। और भाई मैं एक बात बोलूँगी आप लोगों से, सबसे मैं बोलती हूँ नॉर्मली, मेरे घर में भी, जो हमारे रिश्तेदार, उन बच्चों को भी बोलती हूँ, आजकल के बच्चे जो है ना, सुबह जो चिड़िया, सुबह की चहकने, जो चिड़िया की चहचहाहट है, और शाम को जब वो घर वापस जाते हैं, वो दोनों फ़र्क हैं, आप बता नहीं पाएंगे, क्योंकि 11 बजे तक सोते रहेंगे आप, फिर रात को 2 बजे तक आप बैठे रहेंगे अपने लैपटॉप पे, फिर क्या देखेंगे आप, बताइए ज़रा। सूरज जब उगता है, सूरज जब ढलता है, तब भी लाल होता है, पर दोनों लाली में फ़र्क है। नेचर से, प्रकृति से आप एनर्जी लीजिए, ऊर्जा लीजिए, क्योंकि आप अगर ऊर्जावान होंगे या होंगी,
अपने आप वो ऊर्जा आपको आगे बढ़ने में समर्थ करेंगे, ताकत देंगे आपको आगे बढ़ने के लिए। इसलिए आसपास देखिए, सूरज, ये ना आजकल विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, खेलो, बाहर जाके खेलो। अभी मैं बात कर रही थी, ये जो, बुरा मत मानिए, जिनका है वो तो बोलेंगे कि क्या बोल रहे हैं, ये जो हर सुबह से शाम तक एसी एटमॉस्फेयर, वो ठीक नहीं है। सुबह से शाम तक टेलीफोन पे बैठे रहना, वो ठीक नहीं है। कम्युनिकेट अपने भाई बहनों से, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी, अपने माँ बाप से बातचीत करो। दिल का जो, ये जो है ना, ये जो ऑनलाइन क्लासेस होके कई बार बच्चों को क्या हो जाता है कि समझ नहीं आती है क्या, बड़े साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही है इससे, क्योंकि आपस में जो मिलना खेलना वो सब वही वीडियो गेम करते रहते हैं। नहीं, मिलो लोगों से, बाहर घूमने जाओ, सैर करो, हॉबी करो, एंड फिजिकल एक्सरसाइज इज अ मस्ट। इफ यू आर फिजिकली फिट, यू विल बी मेंटली फिट, लेट मी टेल यू, इमोशनली फिट यू विल बी, एटलीस्ट मैं ये समझती हूँ। तो दोस्तों, ये एक सफ़र बड़ा अच्छा रहा और मैम ने पूरे जीवन भर इतना कुछ सीखा और वो आपको इसके बारे में बता रही हैं। लाइफ का एक मैसेज होता है, जब हम किसी चीज़ को चाहते हैं तो हम सीख सकते हैं, लेकिन सीखने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है, डिसिप्लिन, यानी किसी भी चीज़ को बार बार करना। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी नहीं, बस सवाल है कि हम उसे चाहते हैं और उसको चाहने के साथ साथ उसको कर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। एक्शन। इंग्लिश में एक पोएट्री है जो मेरी बहुत फेवरेट पोएट्री है, क्या मैं बोल सकती हूँ? मैं पोएट का नाम भूल रही हूँ, पर बहुत पसंद है मुझे और मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती रहती हूँ। आई एम श्योर समझ आ जाएगी। ड्राइव द नेल राइट बॉयज, हिट इट ऑन द हेड, स्ट्राइक विद ऑल योर माइट बॉयज व्हेन द आयरन इज रेड, इफ यू हैव टू डू अ वर्क बॉयज, डू इट विद अ विल, दोज हु हैव रीच्ड द टॉप must have climbed the hill. Yeah. जहां है पहाड़ पे चढ़े हैं, इसलिए standing at the foot boys gazing at the sky, how can you get a boys if you never try, though you stumble oft, yani often, never be downcast, try and try again my young friends, you will succeed at last. Girls and boys, follow this. Wonderful. Wonderful. Thank you. मैसेज बहुत क्लियर है, मेरे पास बोलने के लिए और कुछ नहीं है, बस फॉलो करो इसको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। आई मीन यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब उजांग जी। थैंक यू सो मच मैम प्रेज करने के लिए, और ये हिम्मत हमें और आगे ले जाएगी। Definitely. और आपका आशीर्वाद और आपका गाइडेंस दोनों मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।